हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैंगो बर्फी की रेसिपी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, मेरे एक व्यूअर हैं मनन नारंग, जिन्होंने काफी टाइम से रिक्वेस्ट की हुई थी कि मैम मैंगो बर्फी सिखा दीजिए। तो आज मैं उनकी रिक्वेस्ट पे लेकर आई हूँ ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी मैंगो बर्फी की रेसिपी, जो कि बनने वाली है बहुत कम इंग्रेडिएंट से और बहुत कम टाइम में, और बहुत ही ज्यादा लाजवाब बर्फी तैयार होती है। देखने में जितनी सुंदर है उससे भी कहीं ज्यादा ये टेस्टी है। तो आइए देख लेते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं गीता वर्मा, गीता की न्यू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आज का ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। साथ ही एक नोटिफिकेशन बेल होगी उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गैस पे एक नॉनस्टिक पैन रख लिया है, जिसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून देसी घी। आपको घी इस्तेमाल करना है, चाहे आप डालडा करें चाहे देसी घी इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैं इसमें 1/2 कप दूध डाल रही हूँ। दूध जो आप घर में यूज करते हैं वही यूज करना है, कोई अलग से दूध नहीं चाहिए। साथ ही मैंने यहाँ पे 1/2 कप चीनी ऐड कर दी है, और इसे हम पकने देंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घुल ना जाए। तो 2 से 3 मिनट में चीनी हमारी घुल जाएगी। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर, क्योंकि बिना मावा के तो कोई भी बर्फी अच्छी नहीं लगती है। तो मावा तो है नहीं हमारे पास, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि बिल्कुल मावा जैसा ही टेस्ट आने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि एक साथ डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। और थोड़ा थोड़ा करके मैश करते हुए मिक्स करें तो इससे गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं। अगर पड़ भी जाए तो इस तरीके से मैश करके आप गुठलियाँ खत्म कर सकते हैं। तो इसे पकने देते हैं 1-2 मिनट। यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब इसके अंदर मैं 1 आम की प्यूरी ऐड कर रही हूँ। ये 1 कप प्यूरी है। मैंने एक बड़ा सा आम लिया था जिसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, और ये प्यूरी हमारी तैयार हो गई है। इसे भी हम पकने देंगे जब तक कि थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये डेसिकेटेड कोकोनट नारियल का बुरादा। आप घर का भी नारियल यूज कर सकते हैं, वैसे तो ये मार्केट वाला है। आप जो घर का नारियल होता है उसका काला वाला छिलका उतार कर उसे मिक्सी में ग्राइंड करके या फिर कद्दूकस करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अब क्योंकि इसका जो कलर है वो बहुत लाइट हो गया है, मैं इसको मैंगो कलर देने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं पीले रंग का और ऑरेंज कलर, यानी दोनों ही कलर को मैं हल्का हल्का सा मिक्स करके डालूंगी, ताकि बिल्कुल जो परफेक्ट मैंगो कलर होता है वो आए। अगर सिर्फ मैं येलो डालती हूँ तो वो परफेक्ट मैंगो कलर नहीं आएगा, तो इसलिए हल्का सा ऑरेंज भी मैंने ऐड किया है, जिससे कि बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने कलर ऐड कर दिया है। अगर आप नहीं कलर ऐड करना चाहते तो बिना उसके भी बना सकते हैं, बस कलर जो होगा आपका थोड़ा सा लाइट आएगा। अब इसके अंदर मैं फिर से 1/2 कप डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ सारा नहीं ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने ये 1/2 कप पूरा डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे जो मिक्सचर है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। गैस को मैंने यहाँ पे लो मीडियम पे रखा है, तेज नहीं रखना है, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा। इस तरीके से आप इसे पकाते जाएं, धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जाएगा। तो अभी भी ये मुझे पतला लग रहा है, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अभी पतली है, जमने लायक नहीं है। तो मैं इसमें 1/2 कप मिल्क पाउडर और ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे टोटल जो मिल्क पाउडर लगा है वो 2 कप लगा है। तो थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर इस तरह से ऐड कर देंगे, और आप देखेंगे जो मिक्सचर है वो एकदम गाढ़ा हो जाएगा। नमस्ते।
तो यहाँ पे मैं इसे पकाती जा रही हूँ। धीरे धीरे आप देखेंगे जो मिक्सचर है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये पैन को अच्छे से छोड़ ना दे, जब तक कि ये बिल्कुल डो जैसा इकट्ठा ना हो जाए। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं ये पैन को छोड़ना शुरू हो गया है। बस इसे 2-4 मिनट और पकाएंगे और धीरे धीरे ये आप देखेंगे कि पूरा पैन को छोड़ देगा और पैन हमारा पूरा क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए कितना थिक हो गया है और पैन पूरा क्लीन हो गया है। जहाँ भी मैं इसे घुमा रही हूँ भी साथ साथ घूम रहा है और पैन पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। जब इस तरीके से ये थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए, इसका मतलब ये जमने के लिए पूरा रेडी हो चुका है। बस अब गैस बंद कर देते हैं और इसे ले चलते हैं बर्फी सेट करने के लिए। बहुत ज्यादा इसे नहीं पकाएंगे, ज्यादा पकाने से इसका जो कलर है वो चेंज होने लगेगा। तो अब फटाफट से मैंने क्या किया है, यहाँ पे इस तरह का बेकिंग टिन लिया है रेक्टेंगुलर शेप में और इसके अंदर एक बटर पेपर लगा देंगे। अब इसके अंदर मैं जो मिक्सचर है वो इसमें ऐड कर दूंगी। बटर पेपर लगाने से आसानी हो जाएगी बर्फी को निकालने में। अगर आपके पास इस तरह का बेकिंग टिन नहीं है तो आप किसी थाली को ग्रीस करके उसमें भी बर्फी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी मिक्सचर है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसे मैं ऊपर से प्लेन कर दूंगी। जैसे हम बर्फी जमाते हैं बिल्कुल ऊपर से इस तरह से प्लेन कर देंगे और जितनी मोटी आपको बर्फी रखनी है उतनी मोटी आप रख सकते हैं। तो इसे मैं अच्छे से फैला देती हूँ और इसे बिल्कुल प्लेन कर देंगे। आप चाहे तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं पकाते टाइम, पर मैंने नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैंगो का फ्लेवर है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से प्लेन कर दिया है और इसके ऊपर मैं कोई ड्राई फ्रूट से गार्निश नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ी देर छोड़ देती हूँ 2-3 घंटे के लिए ताकि ये सेट हो जाए। 2-3 घंटे बाद आप देख सकते हैं हमारी जो बर्फी है बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ ये सिल्वर फॉइल, जिसे चांदी का वर्क भी बोला जाता है और ये परचून की दुकान पे, जो किराने की दुकान होती है उस पर आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से मैं लगा दूंगी, जैसे बिल्कुल मार्केट में मिलती है बर्फी, सेम उसी तरीके से मैं या इसे डेकोरेट करने वाली हूँ। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ क्योंकि मैंने बटर पेपर लगाया था तो इसलिए आसानी हो जाती है इसे निकालने में। साइड से इसे ट्रिम कर देंगे ताकि इसकी जो साइड्स हैं वो बराबर लगे, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। तो ये देखिए साइड से कितनी आसानी से ये कट हो गया। मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी बर्फी तैयार हुई है, खाने में बहुत ही ज्यादा लाजवाब लगती है। इसकी साइड्स को मैं अच्छे से ट्रिम कर लेती हूँ ताकि बिल्कुल मार्केट जैसा लुक आए देखने में। तो एक साइड से मैंने इसे ट्रिम कर लिया है और बाकी साइड तो मुझे ठीक लग रही हैं तो इसलिए मैं बाकी तरफ से नहीं कट करूंगी। अब इसे बीच में से कट कर लेते हैं। कोई भी बड़ा नाइफ ले लीजिए, उससे इस तरीके से कट कर लीजिए। तो मैं यहाँ इस तरह से इसे दबाकर कट करने वाली हूँ। तो ऐसे ही आपको कट करना है, नहीं तो इसकी जो एजेस हैं वो क्लीन नहीं आती हैं। ये देखिए कितनी आसानी से कट गई हमारी बर्फी, बहुत ही सॉफ्ट बर्फी तैयार हुई है। तो जितने बड़े पीसेस आप रखना चाहते हैं उतने बड़े पीसेस आप काट सकते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया पीसेस हमारे निकले हैं, एकदम शार्प जैसे कि मार्केट के होते हैं बिल्कुल। तो एक पीस मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी मैंगो बर्फी रेडी हुई है, जितनी देखने में सुंदर है। तो अगर आपको मेरी ये मैंगो बर्फी की रेसिपी पसंद आती है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा और साथ ही कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूँ तो आप भी मुझे कोई रेसिपी सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं आगे क्या बनाऊँ। और चैनल पर पहली बार आए हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।